आज फिर हम कंटिन्यू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर को ही। टॉपिक क्या है जरा क्वेश्चन है। If m is arithmetic mean between two numbers, L and N, L and N, where N is greater than L, where L is greater than N. Three geometric means and G1, G2, G3 are the three geometric means between L and N. Between L and N, then what is the value of जो भाई क्वेश्चन क्या है। M is the arithmetic mean between two numbers L and N, where N is greater than L, and G1, G2, G3 are the three geometric mean between L and N. Then G1 का square, G2 का 4 plus G3 का 4. What is this value? इसकी value क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो भाई क्या है, m जो है अर्थमेटिक मीन है किसके, बिटवीन l एंड n के। तो क्या आएगा, m इक्वल टू l प्लस n बाई टू। इसके बीच दो ज्योमेट्रिक मीन है, किसके बीच, m के बीच, एल और एन के बीच क्या है, ये तीन ज्योमेट्रिक मीन है। क्या आ जाएगा, एम G1 G2 G3 LL। इसके बाद तीन ज्योमेट्रिक मीन है, इसके बाद क्या है, तीन इसके ज्योमेट्रिक मीन है। तो ये क्या आ जाएगा, ये कौन सा टर्म्स है इसमें, 1/4, 1, 2, 3, 4, 5th है। ये क्या आ जाएगा, ए आर की पावर, एक जगह क्या है, एम आर की पावर 5-1 इज इक्वल टू एम, एम आर की पावर 4 इज इक्वल टू एल, आर की पावर 4 इज इक्वल टू एल अपॉन एम, आर इज इक्वल टू एल अपॉन एम की पावर 1/4। जीवन की वैल्यू कितनी है, ए आर है, ए की वैल्यू कितनी है, एम, आर की वैल्यू एल अपॉन एम की पावर 1/4। जी टू की वैल्यू कितनी है, ए आर स्क्वायर एम, एल बाई एम का स्क्वायर का हाफ। जी थ्री कितनी है, ए आर का क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है, एम, आर की वैल्यू एल बाई एम की पावर 3/4। ठीक, वो वैल्यू किसकी निकालनी है, G1 की पावर 4 प्लस G2
जी टू की पावर फोर, जी थ्री की पावर फोर। जी वन की वैल्यू कितनी है, एम एल बाई एम की पावर फोर की पावर फोर। जी टू की वैल्यू कितनी है, एम एल बाई एम का स्क्वायर की पावर फोर प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एम एल बाई एम की पावर थ्री बाई फोर की पावर फोर। ये कितनी आ गई, एम की पावर फोर एल बाई एम। ये कितनी आ गई, एम का स्क्वायर एम की पावर फोर एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस कितनी आ गई, एम की पावर फोर एल का क्यू अपॉन एम का क्यू। ये कितनी आ गई, एम क्यूब एल प्लस एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम एल का क्यू एम एल का क्यू। गलत हो गया, देखो ये एल और एन है, क्या है बिटवीन एल और एन के बीच, क्या है एल और एन के बीच, एल और एन के बीच है। यहाँ एन आ जाएगा, यहाँ एन, यहाँ एन, यहाँ एल, ठीक है जी। ओके, आर इक्वल टू वन बाई एन बाई एल, एन बाई एल की पावर वन बाई फोर, एन बाई एल, एन बाई एल, एन बाई एल, एन बाई एल बाई एल यहाँ एल आएगा, यहाँ क्या आएगा एल, एल 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 की पावर फोर, यहाँ क्या आएगा एल की पावर फोर, एल क्या आ जाएगा एल की पावर फोर, यहाँ पर क्या आएगा एल क्यू एन एल क्यू एन प्लस यहाँ पर क्या जाएगा एल स्क्वायर आएगा, यहाँ से एल का स्क्वायर एन का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या जाएगा एल का स्क्वायर एन का, उन दोनों में क्या कॉमन है, एल एन सारे में तो कॉमन ले लिया, क्या ले लिया सारे में, एल एन सारे में तो क्या ले लिया मैंने, एल स्क्वायर और एन, एल स्क्वायर और एन कॉमन लिए क्या हो जाएगा, एल प्लस एन प्लस एन, एल प्लस एन की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से टू एम, टू एम प्लस एन स्क्वायर
तो कहीं ये आ जाएगा, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कुछ गलती हुई देख लेना, ठीक है, इसको सॉल्यूशन कर लेना अभी। पर्सन इज टू द काउंट ए पर्सन इज टू द काउंट 45,000 करेंसी नोट लेट एन बी डबल लेट नंबर ऑफ एंड नोट लेट A and B the donate and currency note let A and B the denote currency let A and B the donate and currency note the denote let A and B the donate the number of notes the number of notes
एन बी का डिनोमिनेटर ग्रोथ नॉट बी काउंट इन द एन एक्स यूनिट काउंट द एन एक्स यूनिट दैट इज a1, a2, a3, up to a10. If a1, a2, a3, up to a10 is equal to 160. उसमें रिकॉर्ड की चिंता नहीं, अभी तो तुम्हारे काम है. a1, a2 is equal to 150. सवाल क्या है, देखो जो है तो देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं. देखो ए पर्सन इज टू काउंट टू द 4500 करेंसी नोट. एक आदमी को इच्छा था, उसने कहा था कि यार इतने नोट गिन ले, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं आई. अब आगे क्या गया, वैन ए एन बी द वैन ए एन बी द नोट द नंबर ऑफ नोट ए एन बी क्या करता, नंबर ऑफ नोट को डिनोट करता. अब आगे क्या करा है, द काउंट इन द एन एथ मिनट, यानी ए एन जो होगा एन एथ मिनट में नंबर ऑफ काउंट होंगे, नंबर ऑफ नोट, नंबर ऑफ ए एन क्या होगा, ए एन बी द डेनोट द नंबर ऑफ नोट द काउंट इन द एन एथ मिनट, यानी अगर एन एथ मिनट में कितने काउंट नोट किए तो कहने नोट करेंगे वो ए एन से. एक शर्त और दे रखी है, ए वन ए टू ए थ्री, यानी ए वन क्या है पहले मिनट में काउंट नोट, ए टू कितने है ए थ्री तीसरे, इनकी वैल्यू कितनी है सबकी, ए वन से लेकर टेन तक के, यहाँ तो बात नहीं होगी. और इसके साथ जो ए टेन के बाद जो मिनट लगेंगे, जो ए टेन ए इलेवन अब तक जहाँ तक की भी गिने जाएंगे वो सारे क्या हैं, ए पी में फाइंड द कॉमन, इफ द कॉमन डिफरेंस इसका माइनस टू है, ए पी हुई तो कॉमन डिफरेंस भी होगा, देन फाइंड द टाइम टेकन, उसका टाइम टेकन बताओ जितना वो क्या लेगा था काउंट और द नोट्स, उस सारे काउंट को उस सारे नोट को काउंट करने में कितना टाइम लगेगा, उसे क्या करना है, ठीक है, उसमें क्या करना है टाइम टेकन निकालना, टाइम. अच्छा भाई कितने नोट हैं, फोर फाइव थाउजेंड, और कितने मिनट लग गए इस तरह गिनने में, दस लग गए, ये दस नहीं है, क्या करें, ये कितने टाइम है, ये दस नहीं है, तो ये कितने गिने गए होंगे, ए वन कितना है, ए टू कितना है, तो दस मिनट, दस मिनट कितने गिने गए होंगे, 1600 है, ठीक, बचे हुए कितने, रिमेनिंग कितने बच गए नोट, रिमेनिंग कितने बच गए, रिमेनिंग आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट के बाद कितने बच गए होंगे भाई, सारे कितने थे,
ये नप गए, ये नहीं, 3000 इस एपी में नप रहे हैं, गिनने जा रहे हैं 3000 क्या हम गिनने हैं, इस जो है इसमें इसमें क्या हम गिनने जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटे 150 एक के बराबर है ना, 10 मिनट में नप लगे उसके बाद ये पीछे होगी ना, ये 10 ही नहीं आए, एक के 150 है सारे, वो नहीं गए माले घर के, माले घर के 10 आदमी थे तो 150 नपे गए 10 आदमी, यानी एक 150 गिनना एक मिनट में, तो 10 दिन में कितने, जब जब किसी के बाद के मान लिया कट्टा आ जा पैसे को भर के, तो बोल करो आ जा ना कट्टा पा के बहुत जमीन भी दिया आ जा भाई, जमीन बिक के आ नहीं जाता, जिसकी जमीन बिको थी एक तो मारे यार सूट किए जब बैंक में गया वो आ जा, तो किला आदमी गिन देगा उसे, ये तो मशीन होनी चाहिए, तो कितने घर के सारा आदमी गिनेंगे नहीं, इनको भाई गेट को कुंडा लगा ले भी गिनने के लिए, कोई आ जाए चाची आ जा हैं भाई, चाची बच्ची ना जाएँ कहेंगे इतना पैसा जाए तो रात को बैठे जाओ तुम गिनेंगे, तो ये अब ये गिन के ये कितने कितने गिनने जाएंगे, रिमेनिंग कितना आ गए, ये पूछा कि कितने मिनट लेंगे, मान ले एन मिनट लेंगे, तो एन बाई टू क्या जाएगा, क्या फॉर्म लेते हैं, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या फुल हो गए हो थ्री थ्री थाउजेंड, डी कितना है, डी भी माइनस टू है, एन निकालना, ए कितने है फर्स्ट टर्म, जी 150 फर्स्ट टर्म कहाँ आ जाएगी, ये वो रखी है लीफ वैल्यू क्या जाएगी, 150 बाई टू टू ए 150 एन की वैल्यू तो निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है ठीक है, एन माइनस वन इंटू वन माइनस टू इज इक्वल टू 3000, तो माइनस टू से डिवाइड करते क्या आ गया, एन 150 प्लस माइनस टू एन प्लस माइनस टू एन प्लस टू, आ रही बात है, तो क्या आ जाएगा ये 150 टू और एन से मल्टीप्लाई करें क्या आ गया है, माइनस टू एन स्क्वायर प्लस 152 एन इक्वल टू 3000, टू से फिर डिवाइड कर दूँ बल्कि माइनस टू से कर दूँ दूसरा से, तो क्या आएगा एन स्क्वायर भाई, इसके फैक्टर जिनका सम कितना हो जाएगा, अब तो एन की वैल्यू निकाल लेंगे, यही क्या आ जाएगी ये, अभी अभी पूछेगा मान ले टोटल टाइम चेक कर, टोटल टोटल टाइम टेकन पूछा कितना टाइम लगेगा, मान लिया जैसे मान ले टोटल मान ले एन की वैल्यू मान लिया 18 आ गई सोल्व करते करते, आ सकती है ऐसा नंबर ही तो है कोई, तो टोटल टाइम टेकन कितना लेगा, 18 लेगा, बेटे 18 तो ये लगे आज शुरू में ये भी तो लगे हुए, ये कितने मिनट लगे हुए, 150 मिनट है, 10 मिनट लगे हुए, 10 ही तो ये तो मिनट लगे हुए, यानी एन डेनोट द नंबर ऑफ टाइम, ये कितना टाइम लगा एन एस टाइम है, तो कितने टोटल कितना लगा टाइम, 28 मिनट लगे, अच्छा देखो अब यहाँ भी क्या एक और क्या कलाकारी करेगा, ये एन की वैल्यू 2 आएंगी, एन की वैल्यू यहाँ भी एक बड़ी होगी, एक मान ली एफ एन की वैल्यू होगी 18 ही, और एक मान ली एक 120 की सारी इस तरह की आगे लगभग, तो 120 मिनट भी लगेंगे कई तरह पैसे लगा गिनने में, तो इतने लग सके 2 घंटे लगते हैं पैसे लगा गिनने में, फिर बोले जिसके जिसे 10-15 मिनट से ज़्यादा लगे पैसे लगा गिनने में, तो वो तो पूरी दिन नहीं गिन सकता, इसमें तो गिनने ही नहीं आते, तो कौन सी वाली लेंगे, ये वाली ले लेंगे छोटी वाली, ये ध्यान रखना, तो वो ऑप्शन दिया हुआ होगा जैसे मान लिया 28 18 इस तरह ये ठीक है, आसानी तो कर लूँगी या ये भी नहीं कर सकते, तो बुढ़े हो गए करते करते,
आगे सवाल सुने भाई, आए नहीं? बड़े सवाल तो आए हैं। देखो भाई उतार लिया, इससे पहले एक सवाल और था, देखो क्या था वो, जब तुम देखोगे। इससे पहले क्या सवाल था, देखो ये एक और सवाल था, देख जब तुम देखोगे, देखो भाई क्या ऑनलाइन, देखो भाई ये था कि L और N के बीच एक अर्थमेटिक मीन M है, किस किसके बीच, ये तो बताया था मैंने, तो क्या बताया था भी मैंने, M इज इक्वल टू L प्लस N बाई टू लिख सकूं भाई। और अगर L और N के बीच क्या है, तीन ज्योमेट्रिक मीन है, मान लिया L और N के बीच कितने हैं, एक दो तीन, L और N के बीच ये, ठीक, तो n कौन सा टर्म्स हो गई है, पांचवी, तो ए आर की पावर n माइनस वन इक्वल टू फोर कितने आएगी, यानी ए आर की पावर फाइव माइनस वन इक्वल टू एल, ए की वैल्यू कितनी है l, तो l आर की पावर फोर इक्वल टू n, r इक्वल टू कितना जाएगा n बाई l, और r इक्वल टू कितना जाएगा n बाई l की पावर आगे 1/4 नी 1/4। अच्छा ये g1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ar यानी l मल्टीप्लाई है, g2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी ar स्क्वायर, g3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, g1 का क्यूब प्लस g1 का 4 प्लस g2 का 4 प्लस g3 का 4, इनकी वैल्यू रख के निकाल लेंगे। ये सवाल इससे पहले करा g1 की पावर 4 प्लस g2 की पावर 4 पहले g3 पावर 4, क्या आगे सवाल, इफ m इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन l एंड n, इफ एंड g1 g2 g3 आर द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन l एंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ g1 4 g2 4 g3 कर ले, इतना चाहो लिख लो सवाल नहीं भी आगे आई नहीं, देखो इसके बताऊं L के बीच N क्या रखा, एक M रखा, इधर N इधर क्या आ गया L प्लस N बाई टू, यहाँ तो बात नहीं आ गई, अच्छा या यहाँ तक तो बात नहीं आ गई, अच्छा इसके बीच ये तीन ज्योमेट्रिक मीन रखे, तीन ज्योमेट्रिक मीन रखे, तो ये कौन सी टर्म्स हो गई, तो ए आर की पावर N माइनस वन का फॉर्मूला, आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की तो वैल्यू पता नहीं है मुझे, ए की वैल्यू कितनी है, आर की पावर फोर इक्वल टू
आर की पावर फोर इक्वल टू क्या जाएगा एन बाई, इधर आर इक्वल टू एन बाई एल की पावर फोर, तो जी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ए आर नहीं आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है एल, आर की वैल्यू एन बाई वैल्यू की पावर फोर, इसे इसे आए समझो जी जी टू की पावर कितनी जाएगी ए आर का स्क्वायर एल एन बाई एल का टू बाई फोर, और एल जी थ्री कितना आ जाएगा वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे, इसकी निकालिए तो रख देगी वैल्यू निकल जाएगी अब तो, या भी नहीं निकलनी है आसान था अब तो आगे समझो, पहले ये था देख लेना तुमने यार, तो घर जाके मेरे पूछ लिया मैं कॉल कर लूँगी ना, नहीं आते मेरे पूछ लो मिटो उसे भी मिटो तू, हाँ मीटू में क्वेश्चन क्या है एल बिटवीन लिखो एल एंड बिटवीन एल एंड एन बिटवीन एल एंड एन बिटवीन एल एंड एन एम इज अर्थमेटिक मीन एम इज एंड जी वन जी टू जी थ्री आर ज्योमेट्रिक मीन आर देन फाइंड द वैल्यू थ्री, हो गया समझो, ए क्या है ए जी पी, ए क्या है भाई ए जी पी, ए जी पी का मतलब, ए जी पी का मतलब क्या है, ए जी पी का मतलब क्या है बोलो, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब देख ए से अर्थमेटिक था ए एम पढ़ा था जी से ज्योमेट्रिक पढ़ा था पी से प्रोग्रेशन, अब दोनों कंबाइन किस किसका एन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक लिखो एन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ऑब्टेन है, नहीं वैसे यही किसे कहते हैं एन अर्थमेटिक अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पूरा नाम है क्या नाम है इसका एन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ऑब्टेन बाय द टर्म्स मल्टीप्लिकेशन बाय द टर्म्स बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन बाय द टर्म्स by terms multiplication by the terms by term multiplication एन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इज ए विच इज ऑब्टेन्ड बाय द टर्म्स बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन, इस टर्म की टर्म से पहली टर्म की पहले टर्म से मल्टीप्लिकेशन बाय द किसकी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन की, जो टर्म्स बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन से मिलती है इसे क्या कहते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे मान लिया एक अर्थमेटिक कितना है, ये है एक ज्योमेट्रिक है, तो मान ली इसकी मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ गया, ए ए प्लस डी आर ए प्लस फिर ए प्लस टू डी आर स्क्वायर फिर ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी आर का टू डी, इस तरह की जो सीरीज मिलेगी उसे क्या कहेंगे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है क्या कहते हैं अर्थमेटिक, ठीक। बाद में क्या आएगी यहाँ, ये बाद में टर्म्स क्या आएगी a प्लस एन माइनस वन इन टू डी और r की पावर n माइनस वन, ये a है ये a आएगा अपने टर्म्स होगी जो a डैश होगा इसकी टर्म वही आएगी फिर से, जब दो सीरीज हैं अलग अलग मैंने क्या मानना है इसलिए a डैश a नहीं मानना कुछ और होगा, a और a डैश की मान ले कोई नंबर a आएगा, a का मतलब एनी नंबर वो वाला ही है, कुछ करते रुके एक मतलब
बिटवीन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके इसलिए हटा दिया। आगे बात समझो, ये आ गया। चलो ये इसे कहते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। तो जीपी जीपी तो है, जीपी लिखी थी पहले वो। हाँ तो ये काम पे आया तो मुझे बता देना, अभी याद हो जाएगी। देखो नहीं है तो क्या कह रहा है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए जी पी, इसका सम टर्म क्या होगा, एन एन टर्म का क्या होगा, सम क्या होगा। मान लिया इसका एन टर्म का सम कितना होगा, एस एन क्या होगा, ए प्लस जी आर प्लस ए प्लस टू डी आर स्क्वायर प्लस ए प्लस थ्री डी का आर का क्यू ए प्लस आर माइनस वन मीन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और आर की पावर एन माइनस वन, यही तो आएगी। इसका क्या पूछा, मान लेते सम ही होगा, सम होगा तो क्या करेंगे, इसमें क्या कॉमन रेशियो है दोनों में, आर है कॉमन रेशियो ज्योमेट्रिक मीन की, इसे क्या करता हूँ मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिक्कत तो नहीं कुछ है। ये क्या जाएगा ए और ए फिर आगे ए प्लस डी आर का फिर आगे क्या जाएगा ए प्लस आर का क्यू आगे ये यहाँ नीचे क्या आएगा प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और आगे आर की पावर आएगा। इसमें से क्या कर दूँ, इसको माइनस कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहले भी बताया था मैंने एक बार, और ये सीधी लाइन है भाई, है कभी सोचो इस तरह की चीज नहीं। ये क्या जाएगा माइनस क्या जाएगा एस एन माइनस आर एस एन, दिक्कत क्यों नहीं। यहाँ क्या जाएगा ए प्लस क्या आएगा डी आर आएगा डी आर आगे आगे क्या आएगा यहाँ से अच्छा डी आर डी आर का क्या है, हाँ डी आर क्या नहीं है ना, ये स्क्वायर है माँ भाई, डी आर था यहाँ तो स्क्वायर माँ तुम्हें समझ में नहीं आया। आगे क्या आएगा डी आर का यहाँ तक जो आएगा है, अरे माइनस ये तो बाहर नीचे माइनस में आ जाएगा यहाँ, इसका तो आईडी है ही नहीं कोई, माइनस ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी आर की पावर एन दिया जाएगा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे, और इसमें से क्या इसमें से क्या कॉमन ले लूं भाई, मैं एन एन दोनों में से कॉमन ले लूं, आर नहीं आर कॉमन एस एन कॉमन ले लूं, वन माइनस आर एस एन आ जाएगा ए प्लस ये देखो डी बी को मैं ले लूँ डी आर को मैं ले लूँ है डी आर को मैं ले क्या हो जाएगा ये कितने टर्म्स आएंगे यहाँ आर की पावर कितना आएगा यहाँ एन आएगा यहाँ देख यू वाली टर्म सीधा भी इसके नीचे आर की पावर एन माइनस वन
भाई नहीं बात। अच्छा इसका सम क्या होता है भाई, इसका सम क्या होता है? ए प्लस बी आर, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन हो नहीं जी पी का ये सम नहीं होता। ए प्लस इधर से क्या आ जाएगा, ये ए प्लस एन माइनस वन क्या आएगा माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की पावर आर अपॉन एन। तो एस एन के इसके नीचे सबके नीचे आर या लिख दूंगा वन माइनस आर भाई से भी। ओ देखो एक गलती हो गई, क्या हो गलती भाई, तुम क्या गलती हो गई, इसे और को ऐसा ही मान लेंगे एक ही ना भाई, छोटी गलती हो गई है सीधे तो बात सुनने में आ गई होगी, गलती नहीं माफी आई थी तो ये जो भी नहीं है। देखो ये क्या आ जाएगा, देखो ये क्या है वन माइनस आर, ये क्या है इसे वन माइनस आर बनाने के लिए माइनस यहाँ लिख दूँ, अभी क्या आ जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर क्या आ जाएगा, एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, ए अपॉन वन माइनस आर माइनस डी आर आर की पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर आ गया इसमें, इसके नीचे वन माइनस आर का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की पावर आर की पावर एन अपॉन इसके सारे नीचे एन एन का सर इसे याद करके क्या गया एस एन इज इक्वल टू, अगर निकालने के लिए एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया ए अपॉन वन माइनस आर इक्वल एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया ए अपॉन वन माइनस आर डी वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन है वन माइनस आर का स्क्वायर वन माइनस आर का स्क्वायर अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। आज की बात है, इसके बाद कुछ है शाम तक ही इतने हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक नहीं तुम्हें जल्दी रह गई वो था ना है भाई, इतनी जल्दी भी नहीं है, इतनी जल्दी था एक बार देखो बेटे, देखो इस सवाल में थोड़ी चुटक चुटक पुटकर हो गई गलती, हाँ चुटक पुटकर क्या गलती है बताओ, क्या गलती है बेटे, क्या है वन माइनस आर है इसका मतलब आर किस है, आर एक से बड़ा छोटा, और ये मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया, आर एक से छोटे वाला लगा, आर से एक बड़े से वाला लगा, तो क्या लगाना चाहिए था मुझे क्या, अच्छा गलती माफी हो जाती तो बड़ी दिक्कत नहीं है, देख उधर देख बेटे मुझे देख घर बैठ ही कर दी, घर बैठ कर लेना वन माइनस आर की पावर एन, नीचे क्या आएगा वो, हाँ तुमने पता ही तो है नहीं आप सोच रहे, चल ठीक है वन माइनस आर, तो यहाँ भी वो प्लस आएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है और सब बेटी की बात तो नहीं रहेगी यार, बड़ी दिक्कत नहीं, कितनी माफ़ हो गई गलती, एक और गलती माफ़ कर दो
कैसी गलती? अच्छा इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं बेटे? और जीरो नहीं आया इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक इस सीरीज में कितने टर्म्स हो गए बता दिया मुझे। देखो बता रहा हूँ, रिवर्टिंग बात। इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं ये? हाँ एन टर्म्स है ना, एक जो हमने इधर बढ़ा देता है कितने लगे एन प्लस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के एन प्लस वन हो गए। रटने वाली बात तो नहीं हुई, इसी तो गलती माफी हो सके। एक मैंने योगफल छोड़ा था मेरे टर्म्स, अरे कौन सी छोड़ी थी मैंने, कितने टर्म्स छोड़ दी मैंने, तो ये कितने टर्म्स रह गए? एन रह गए। एन प्लस टू थे, एन प्लस वन थे, अरे कितने कम कर दिए तो कितने रह गए? एन की जगह क्या आएगा यहाँ? ये भी गलती माफ हो जाएगी नहीं, बड़ी दुनिया बात ये। अब देख यहाँ भी गलती कर दूं मैं, देखो ये मन है ना, ये मैंने कहा मैं तो वही ठीक ही लिखा है, माइनस वन नहीं है वो, ए यू है, ए यू और यू है, ये दो आएंगे माइनस, ये किसकी पावर में, ये आगे बात में कोई नहीं रटने वाली बात नहीं बैठे, तो बात भी ठीक ही कर दिया था। अब यू तर तार ही रहे, मैं तो कुछ करा ही नहीं कि तर तर आने कुछ वो तो आ लिया तुमने। अच्छा अब देखो क्या है, आगे ना फॉर्म से किस इस्तेमाल करूँगा, देखो भी मत कहीं ना कहीं अगर इस्तेमाल बड़ी जरूरत पड़ने की, ये डायरेक्टली ज़्यादा फॉर्म भाई क्या होता है, रटने वाली बात सुनी यहाँ क्या है बच्चों को अपना एक कोई भाई होगा छोटा सा लगा ले बैठे दोनों के कैलकुलेटर पर, ये क्या आगे मान लिया लेट एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन फिफ्टी है, मान लो कि दिक्कत तो नहीं, एक्स मान लिया एस एन आ जाएगा क्या आ जाएगा वन प्लस टू एक्स प्लस 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 एन एक्स की पावर एन 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 माइनस वन, दिक्कत तो नहीं है,
इन दोनों की क्या कॉमन रेशियो है? जीपी में एक्स है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, जिस भी को भी कर, अब समझ में आ गया मैंने कर रहा था क्या, इससे पहले सवाल हूँ क्या लिखूंगा, एक्स प्लस टू एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का फोर अप टू यहाँ जाएगा एन एक्स की पावर एन, ठीक भाई, यहाँ क्या आ जाएगा एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये तो आ जाएगा, यहाँ ये नहीं आ जाएगा बात, एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, अब बराबर अभी तो क्या कर दूँ दोनों तरफ को, क्या कर दूँ मैं, माइनस कर दूँ, क्या आ जाएगा बोल लो, एक्स एन माइनस एक्स एन क्या जाएगा वन प्लस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फोर अप टू एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू एन एक्स की पावर एन, ये माइनस आएगा फिर वो गलती कर देते, जब बाहर करूँगा माइनस के साइन नीचे हो जाएगा। अब देखो ये सारी सीरीज कैम है, जीपी में है, जीपी में नहीं आई, जैसे मान लो जीपी में सारी सीरीज कैम है, ये जीपी में नहीं आई, जीपी में तो क्या आ जाएगा सम टर्म्स क्या आता है, एफ एन दोनों में से कॉमन ले लूंगा, क्या जाएगा वन माइनस एक्स, क्या जाएगा बोलिए, यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स होंगी इसमें, यहाँ से यहाँ तक की एन माइनस वन है, याद है ना, क्या क्या वन प्लस एक्स की पावर, एक्स की पावर वही वाला जो तुम कह रहे हैं, वही लगाऊंगा जो तुम कह रहे हैं, नहीं वही लगा रहे मैंने, अपॉन वन माइनस एक्स वन माइनस और माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन, आई बात नहीं कि भाई, और एक्स की वैल्यू कितनी है यहां से 51 अपॉन 15 है, 51 अपॉन देखो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू क्या है 1 प्लस के, और एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई 51 अपॉन 50 लिख सकूं भाई, एक मेरे पास क्या है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस यहां से 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या लिख सकूं, इसे दे लिया माइनस 1 अपॉन 50 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, नहीं 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 50 लिख दूंगा, ये आई बात नहीं, इसके नीचे आई सुनो, करो यहाँ तक की तरह देखी क्या आया,
हमारे पास में आ गई भाई। क्या आ गई थी बात यहाँ पे, वन प्लस वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन है भाई बेटे। इसकी दोनों मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या जाएगा, वन प्लस वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस एन एक्स पावर एन क्या जाएगा, माइनस एन एक्स की पावर एन और माइनस माइनस प्लस अपॉन क्या। हाँ इनका एलसीएम लिया, इसकी मल्टीप्लाई करती है इधर ही, वो करते एक ही दो बात है जिससे वन प्लस वन बाई टू करें। ठीक है ये आ गया और यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वन माइनस क्या था, वन माइनस एक्स इंटू एस एन, एस एन क्या आ जाएगा वन प्लस वन माइनस एक्स पावर एन माइनस वन माइनस एन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एन एक्स पावर एन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर आई बात नहीं। और यहां से x की वैल्यू कितनी है भाई, 50। ये मैं रख दूंगा, इसका जो है क्या जाएगा, ये इसका ये आंसर है, क्या जाएगा इसका ये आंसर। और अगर इसमें ज्यादा अच्छा करना है तो इसमें x इक्वल टू वन बाई एन मान लेंगे, क्या मान लेंगे वन बाई एन, x इक्वल टू क्या मान लेंगे वन बाई एन, x इक्वल टू क्या मान लेंगे वेयर लिखेंगे एन इज इक्वल टू 50, वेयर एन इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे क्या जाएगा यो एक्स माइनस वन या कह दो वन माइनस एक्स क्या जाएगा यो वन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एन। भाई बात है इसकी क्या वैल्यू रखूंगा वन बाई एन का स्क्वायर, वन बाई एन का स्क्वायर ये क्या आ गया एस एन इक्वल टू वन प्लस वन माइनस एक्स पावर एन माइनस वन माइनस एन एक्स पावर एन माइनस वन एन एक्स पावर एन अपॉन क्या जाएगा वन माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है वन बाई एन का, वन बाई होन का आई बात है। थोड़ा लंबा सा है अजीब पड़ी है पहली बार से जी दोनों दोनों ने, इसका ये आंसर है क्या इसका ये आंसर एन इक्वल टू क्या है, एन इक्वल टू क्या है 50 की वैल्यू रख देंगे एन इक्वल टू 50 और एक्स इक्वल टू वन प्लस के वन अपॉन 50 50 वन का 50 क्या वन अपॉन 50 ये ठीक है इधर है ही। चलो आगे बढ़ेंगे आज 12 बजे से आएगा ये तो खत्म हो जाएगा तुम्हारे यहाँ 12 बजे। आज एक बहुत पहला अच्छा होगी मेरी उम्र कर दिया है अच्छा हो गया क्या कह रहे
अरे नीचे का तो ऊपर का उतार लिया होगा है? देखो भाई क्या है, देखो सम ऑफ एनर टर्म ऑफ एजीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन एजीपी, एजीपी मतलब अगर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन्स में कितने टर्म्स हो इनफाइनाइट, कितने टर्म्स हो एनएफ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बता सकता हूँ बताइए क्या था, क्या था बोलो, ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर, ये वन माइनस आर फिर वही गलती करते हैं भाई, भैया आर माइनस वन से छोटा होगा, वन माइनस आर और एन लगाया था मैंने, तुमने तो आराम पूछी यही करा दिखा है, नीचे क्या आएगा बोलो, समझ में नहीं आएगा ये क्या गलती थी, वो गलती हो गई थी हमारी, अब आगे क्या आएगा, एन भी है ऊपर आर के साथ है, वो तो मुझे तुम्हारे पास ध्यान पूरा पूरा तुम तो मैं तो वैसे बोले सवाल है नहीं, अब क्या कह रहे, देखो अब क्या कह रहा है, ये टर्म कैम है भाई, कैम है ये इनफाइनाइट है, टर्म्स कितनी है इसकी, अगर एन जो है इनफिनिटी की तरफ जाएगा, एक दिन वो बताया था मैंने, और ये पावर एन क्या आ जाएगी, जीरो नहीं जाएगी बस, तो ये सारे जीरो मल्टीप्लाई, और ये भी जीरो, ये भी जीरो, वन माइनस जीरो कितना आ जाएगा वन, तो कितना आ जाएगा, ये तो एस एन है सम ऑफ कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा ए अपॉन प्लस क्या आ जाएगा डी आर अपॉन वन माइनस आर का क्या आएगा, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर अपॉन कितना आ जाएगा डी आर अपॉन वन माइनस आर का, आगे बात नहीं उतार लो इसको, ये फॉर्म ये तो छोटा था, ये छोटा हो गया, अरे वो एन टर्म की तो लिखी हुई है यहाँ पे, अरे वही तो लिखी हुई, नहीं तो लिखी लिखी तो है एन टर्म की लिखी हुई है, तो बिल्कुल हर बात तुम तो बच्चे की तरह कर रहे हैं, ये यहाँ से वो बच्चे नहीं करता, अच्छा ले अच्छा ले इसे नहीं करता, कुछ कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी ज़्यादा था लेते आराम से, इससे पहले का आंसर जो है 250 कितना आ गया, 2500 आएगा, कल चेक करूँगा किसको आया बताइए,
इससे पहले वाला आंसर छुप गया, क्या उसका आंसर क्या है? इसका आंसर कितना है जो कुछ छुपाया ना अभी, मतलब एक्स और एन की वैल्यू रखी जाएगी, कितना है इसका आंसर? 2000। नहीं यार तो कल भी ठीक करेंगे एक्स के पेयर हैं, फिलहाल तो ये सवाल है भाई, ठीक है कोई बात नहीं कल भी कर देंगे अपनी बात है, अगर नहीं हुआ मतलब तुमने जाते मिटो हो जाता है हटके देखते करेंगे, परेशान ना हो, ठीक है अब तुम मिटो दो। देखो भाई वो दो लाइन कह रहे थे, दो लाइन में मिटो दिए, सवाल भी हटके कर देंगे, परेशान ना हो, ठीक है भाई। देखो क्या है ये सवाल, एस इज इक्वल टू 3 + 3/d 4 + 3/2, मुझे पता ए एफ जी पी इकट्ठे हैं, ए एफ जी पी है जो उसका जी पी का कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो करता आ रहा है, इसमें कितना है ये 1/4, एस इज इक्वल टू 3/4 जी बेटे इसमें करूँगा समझा भैया, ऐसे नगर अगर है इसमें क्या आएगा फिर 3 + d 1/4 का स्क्वायर, 3 + 2d 1/4 का क्यूब, अब क्या आएगा फिर माइनस करके क्या आएगा f माइनस f बाई फोर क्या जाएगा फिर 3 + क्या जाएगा यहाँ से डी बाई फोर आगे है क्या आएगा जल्दी बताओ जी डी या 1/4 का स्क्वायर, डी बाई फोर का स्क्वायर, डी 1/4 का स्क्वायर, अगर डी बाई फोर का स्क्वायर है तो ये तो ही आता है इसका डी स्क्वायर कौन 16 ये आएगा या ये आएगा कौन सा वाला दो नहीं लिखे मैंने तो अच्छा जो मैंने लिखा चलो प्लस कितना आएगा डी 1/4 का क्यूब, अब क्यों कहें कि सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज है, यहाँ तो वो दिक्कत है नहीं, वो खत्म ही हो गई सीधा देर पैदा करता है थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3 + b भी कॉमन 1/4 + 1/4 का स्क्वायर + 1/4 का क्यूब 1/4 की पावर 4 क्या लगा है a अपॉन a की वैल्यू r की वैल्यू इनफाइनाइट सीरीज का a अपॉन 1 r नहीं करता ये फॉर्म का, तो कितना आ गया यहाँ से 3 + d/4 / 3/4 बोलो इस 4 से 4 जाएगा तो ये कह के इक्वल है 4s - s 3s / 4 के इक्वल है, तो 3s / 4 इक्वल टू क्या आ गया 3 + d/3 क्या इक्वल है यो आज 3/4 के मैं नीचे लिख दूंगा मैं तो एस इक्वल टू कितना जाएगा बोल एस कितना जाएगा बोल लो 3 / 4 + d / 3 × 4 आ जाएगा बोलो ये कितना जाएगा 3 से 3 जाएगा 4 नहीं आ जाएगा 4 + 4d / 4 दोनों से कॉमन ले लूं 1/d / 9 भाई दिक्कत तो नहीं आई।